Hello friends, this is Sangam Bipuri and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video, I'm going to talk about Aciclucera tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. Friends, video को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें. फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल. सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिक्लोसेरा टैबलेट. फ्रेंड्स, एसिक्लोसेरा टैबलेट बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित टैबलेट है जिसका इस्तेमाल पेन किलर के तौर पर किया जाता है, मतलब दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है. फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एनाल्जेसिक कैटेगरी से बिलोंग करता है. एनाल्जेसिक कहने का ही मतलब होता है पेन किलर. फ्रेंड्स, इसे दूसरे शब्द में हम लोग एनसेट कैटेगरी भी कह सकते हैं या एनसेट मेडिसिन भी कह सकते हैं. एनसेट कहने का मेरा अर्थ हो रहा है नॉन स्ट्राइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्ट्राइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से. फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे. मैं यहाँ आपको हर एक चीज़ को समझाऊंगा, हर एक पॉइंट को एनालाइज करूंगा बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट. कि सबसे पहले मैं ये बात, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है. तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है. फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 60 से लेकर 70 रुपये के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई. एक्चुअली बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन. ये जो मेडिसिन होता है एसिक्लोसेरा, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स तीन मॉलिक्यूल्स बेसिकली पाए जाते हैं, वो भी तीनों डिफरेंट अमाउंट में होता है, अलग अलग सबका क्वांटिटी होता है. तो फ्रेंड्स, नंबर वन जो मॉलिक्यूल है वो है हमारा एसिक्लोफिनेक. एसिक्लोफिनेक 100 mg 100 मिलीग्राम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, पेन को रिड्यूस करने का काम करता है, पेन को कम करने का काम करता है. सेकेंड इसमें है मॉलिक्यूल्स हमारा पैरासिटामोल, जिसको दूसरे शब्द में एसिटामिनोफेन भी कहते हैं. ठीक है, दोनों बात एक ही है. वो 350 mg पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है और माइल्ड एनाल्जेसिक होता है. एंटीपायरेटिक कहने का मतलब बुखार को थोड़ा कम करने का काम करता है और बुखार को कम करने का काम करता है, थोड़ा सा दर्द को भी कम करता है. फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें मॉलिक्यूल्स है सेराटी पेप्टिडोज कहने का मतलब होता है जो स्वेलिंग को कम करने का काम करता है, जो स्वेलिंग को कम करने का काम करता है. तो फ्रेंड्स, तीनों को अगर आप एक शब्द में समझे तो इसका इस्तेमाल देखिए, एक दर्द को कम किया, एक बुखार को कम किया, एक स्वेलिंग को. तो दर्द, बुखार और स्वेलिंग, मतलब पेन एंड स्वेलिंग को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ गई. फिर भी चलिए बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में कि विशाल तौर पर इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है. वो चीज़ अगर मैं बता दूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किसका इस्तेमाल यहाँ करते हैं. तो फ्रेंड्स, नंबर वन इसमें मसल पेन और किसी तरह का मसल एक्ट हो गया आपका, ठीक है, मसल स्पाज्म हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. फिर कहते हैं ज्वाइंट पेन और किसी तरह का ज्वाइंट पेन है उसमें भी डॉक्टर अपने अनुभव द्वारा इसका इस्तेमाल करते हैं. फिर कहते हैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डोलाइटिस एक गर्दन की बीमारी होती है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि हड्डियाँ झड़ने लगती हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. स्पॉन्डिलाइटिस सीधा समझो, ठीक है, एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं. उसके बाद कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कि अगर किसी को दर्द हुआ है, ठीक, किसी को सर्जरी हुआ है, सर्जरी होने के बाद जो दर्द होता है, अगर पेशेंट ओरल टैबलेट ले सकता है जैसे डिस्चार्ज करने के बाद, 9 दिन रख के डिस्चार्ज करने के बाद उसको इसमें लिखते हैं एसिक्लोसेरा, ताकि दर्द ना हो. फ्रेंड्स, उसके बाद कहते हैं अर्थराइटिस पेन या ज्वाइंट पेन ऑलमोस्ट सेम ही है, उसको भी दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था. चलिए, उसके अलावा कुछ और दर्द है उस बारे में हम लोग बात करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट का यूज है पेन एंड स्वेलिंग. अब सिंपली एक बात समझिए, किसी तरह का दर्द हो और स्वेलिंग हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. सिंपल अगर शब्दों में कहोगे तो पेन एंड स्वेलिंग कहोगे आप, ठीक है, पेन रिलीविंग है ये. फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में. फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है, एंड विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर्ड एनी ड्रग टू एनीवन. कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई दवा एडमिनिस्टर ना करे. तो कंट्राइंडिकेशन जान ले, उसके बाद पेशेंट की हिस्ट्री भी जाने, तभी आपको समझ में आए किसको देना है किसको नहीं देना है. तो फ्रेंड्स, नंबर वन है प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, लेडी प्रेग्नेंट है, वुमन प्रेग्नेंट है, तो उसको आपको नहीं देना है. फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई महिला स्तनपान कराती है, ठीक है, अपने बच्चों को, तो उसको भी आपको नहीं देना. उसके बाद लिवर और किडनी डिजीज,
और लीवर और किडनी डिजीज से कोई व्यक्ति सफर कर रहा है, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, उसके भी उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर के एडवाइस लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके चारों कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, इसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स है, चलिए उस बारे में वन बाई वन करके बात करते हैं। पहला, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करेगा, इनडाइजेशन, आपको खाना ठीक से नहीं पचेगा, स्टोमक अपसेट या स्टोमक पेन भी आप कर सकते हो कि आपको पेट में दर्द होगा, स्टोमक अपसेट हो सकता है। फिर कहते हैं डिक्रीज मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको कहते हैं भूख न लगना, क्या हुआ, भूख नहीं लगे। फिर कहते हैं हार्ट बर्न, आपका हार्ट बर्न यहाँ पे जिसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स भी आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, हार्ट बर्न कर ले जाए, जलने लगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स, इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसके जगह पर दूसरे ब्रांड को क्या कर सके, आपको रिकमेंड कर सके और दूसरे दवा रिकमेंड कर सके, प्रिस्क्राइब कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके आपको ये भी समझ में आएगा, इसका साइड इफेक्ट्स भी समझ में आएगा। अब चलिए बात करें इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका एडल्ट डोज 1 x BD होता है, सुबह शाम हो सकता है अगर ज़्यादा दर्द परेशान कर रहा है, और हल्का फुल्का दर्द है, ज़्यादा परेशान नहीं है, तो 1 x OD भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन पोस्ट से पोस्ट खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिक्लोसेराट क्या होती है, कौन सा कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त लगा, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं next video में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। Thank you, धन्यवाद।